हेलो, माय नेम इज धनंजय एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस एंड इट्स यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग गुड रिस्पॉन्स टू दिस सीरीज एंड इफ यू आर गिविंग दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स देन वील कंटिन्यू विद दिस सीरीज। ओके, फॉर दैट प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, सो इट गिव्स अस मोर एनर्जी एंड वी कैन कम इट विद अ मोर such videos like this. Okay, so we'll start. We already have seen the first and second part of Asia. Now this is the third part. If you haven't seen that video, please first watch that videos, because there is interlinkages between first, second and third part, and with that we'll continue with this series. Okay, now first news it is about the Kachathu Islands. Why क्यों न्यूज में थे कच्चाथू आइलैंड्स? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन स्पीच इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नो कॉन्फिडेंस डिबेट मेंशन अबाउट दिस कच्चाथू आइलैंड्स। ओके, तो उसका लोकेशन हमें पता होना चाहिए। कच्चाथू आइलैंड्स इट इज इन द गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, गल्फ ऑफ मन्नार इट इज इन द पाक स्टेट और उसके नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, सो कच्चाथू आइलैंड्स इट्स अनहेबिटेटेड स्पेक बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका इन द पाक स्टेट। ओके, और यहाँ का श्रीलंका का लास्ट पॉइंट कौन सा है? मन्नार आइलैंड्स। और इंडिया का लास्ट पॉइंट कौन सा है? रामेश्वरम। यस, आपको सब पता, आपको ये पता होगा। ओके, नाउ दिस इट इज रिलेटिवली ऑफ अ न्यू जियोलॉजिकल ओरिजिन बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ द 14th सेंचुरी वोल्केनिक इरप्शन। उसके बाद ये बना है और इंडिया ने इसको श्रीलंका को दिया था। लेकिन राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इसमें इलेक्शन के स्पीच में भी इसका उल्लेख किया था। क्यों? क्योंकि ये जो कच्चाथू आइलैंड्स है अभी बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और अभी ये श्रीलंका के पास है, क्योंकि यहाँ चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है और चाइना की प्रेजेंस बढ़ने की वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वॉच रखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कच्चाथू आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अपने इंडिया के पास नहीं है, श्रीलंका के पास है। ओके, सो यू यू शुड नो अबाउट द कच्चाथू आइलैंड्स। सो कच्चाथू इज नॉट सुटेड फॉर द परमानेंट सेटलमेंट एज देर इज नो सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। ओके, सो यू शुड नो अबाउट दिस थ्री। Now, second one is the Arshdhora gas field. Okay, why it is in news? Because Iran objected the agreement between Kuwait and Saudi Arabia to develop Arsh or Dhora gas field. Okay, there is two gas field, Arsh and Dhora. Okay, Iran ka manna hai ki ye hamare exclusive economic zone mein aata hai aur Kuwait ka manna hai ki ye hamare exclusive economic zone mein aata hai. To iski wajah se ye dono fight karte hain aur ye kis mein kahan pe hai? Ye apna जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में ए साइट है। तो यू शुड नो अबाउट दिस अर्शदोरा गैस फील्ड एंड इट्स लोकेशन। ओके, ज्यादा मतलब सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी डोंट आस्क वेरी डिटेल, दे जस्ट आस्क अबाउट द लोकेशन और उसका पेयरिंग में पूछते हैं कि कहाँ पे है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ जो क्वेश्चन मतलब ऐसे आते हैं तो ज्यादा डीप में नहीं मतलब जाना चाहिए आपने, या आपके खाली उसका लोकेशन कहाँ पे वो हमें जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट वेस्ट वाटर। ओके राइट, दिस इवेंट इज रिगार्डेड एज द वर्स्ट सेकंड वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर आफ्टर द चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। और अभी जापान ने क्या किया है? जापान टू रिलीज द डायल्यूटेड रेडियोएक्टिव वेस्ट वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा दियाची न्यूक्लियर प्लांट। ओके, तो अभी ये तो न्यूज है, लेकिन जापान का तो फिर हमें मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, सो देखो यहाँ पे जो मियागी प्रीफेक्चर है वहां पे अर्थक्वेक आया था और वहां पे फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। ओके, पैसिफिक ओशन में है। ओके, इट इज इन द ईस्ट साइड। ओके, आपको पता होना चाहिए। नाउ वील सी द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू में जापान के जो इंपॉर्टेंट फाइव मेन आइलैंड्स हैं, वन इज अ क्यूशू, उसके बाद शिकोकु, योकोहामा, होन्शू एंड होकाइडो। ओके, जो टोक्यो है जापान की राजधानी वो योकोहामा में है। ओके, दिस योकोहामा, सो यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, नाउ उसके बाद रशिया और जापान का डिस्प्यूट भी चलता है यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स की वजह से। तो यू शुड नो अबाउट द कुरिल आइलैंड्स। ओके, सो ये जो कुरिल आइलैंड्स तो है, लेकिन यहाँ पे जो चार और कुरिल आइलैंड्स का पार्ट है, उत्रुपु, कुनाशिर, शिकोंतोन एंड होमोबाई आइलैंड्स, ये चारों आइलैंड जापान क्लेम करता है, लेकिन अभी ये किसके पास है? रशिया के पास में। सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, कुरिल आइलैंड्स एंड सराउंडिंग एरियाज। मटो आइलैंड्स ये भी रशिया के पास में, कुरिल आइलैंड्स का भी पार्ट है। रशिया इज प्लानिंग या न्यू नेवल ब्लिस प्लान कर रहा है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज है जो लास्ट ईयर न्यूज पे थी, शकलिन आइलैंड्स।
ओके, यहाँ के यहाँ पे कुछ नई गैस फील्ड मिली थी, तो यू शुड नो अबाउट दिस शकलिन आइलैंड्स, वो भी रशिया का पार्ट है। और लास्ट वन इज द कमचटका पेनिनसुला, वो भी रशिया का ही पार्ट है। तो यू शुड नो अबाउट दिस ऑल लोकेशंस, राइट? इट्रूफू, कुनाशिर, शिकोंतोनन, होमा होबो हेबो हेबोमाई आइलैंड्स, ये चार आइलैंड्स किसके हैं? रशिया के हैं, और जापान इसको क्लेम करता है। ओके, बाकी का हमने मोटो आइलैंड्स देखा, कामचटका और सकलेन आइलैंड्स। ओके, उसके बाद कुरिल आइलैंड्स, जैसे हमने देखा डिस्प्यूट बिटवीन द जापान एंड रशिया इज ओवर द सॉवरिटी ऑफ द साउथ कुरिल आइलैंड्स। नॉर्थ कुरिल तो रशिया की है, साउथ कुरिल आइलैंड्स की वजह से झगड़ा चल रहा है। ओके, इट्स क्लेम बाय द जापान बट ऑक्यूपाइड बाय द रशिया। ओके, अभी हम थोड़ा सराउंडिंग एरियाज देखेंगे। है वो अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन क्यों जापान के इस साइड में, सी इज द सी ऑफ जापान, यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट है, यू शुड नो अबाउट दिस। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, और नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप है वहां पे, उसका कैपिटल योंगयांग है। ओके, उसके बाद हमें दिस तत्तर स्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए जो शकलेन आइलैंड्स के बाजू में है। ओके, और जो जो रशिया कुरिल आइलैंड्स के बाजू में जो सी है उसको सी ऑफ ओस्टॉक बोलते हैं। ओके, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस थिंग। ओके, बाकी का हमने ऑलरेडी देख लिया है, दिस इज येलो सी, दिस इज द सी ऑफ जापान, एंड दिस इज चाइना सी, और इसके आगे नीचे जो होगा वो साउथ चाइना सी है। ओके, उसको भी हम अभी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो न्यूज में था, विच इज ऑस्ट्रेलिया कोकोज आइलैंड, उसको केलिंग्स आइलैंड भी बोलते हैं। क्यों न्यूज में था? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कोकोज आइलैंड एंड क्रिसमस आइलैंड इज आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिटाइम चोक पॉइंट्स, विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट द मलक्का स्ट्रेट। ओके, मलक्का डिलेमा चाइना का है। ओके, क्योंकि चाइना का जो पूरा ऑयल ट्रेड है उसमें से 80% ऑयल ट्रेड इट्स लोकेशन से हो जाता है, सो इट इज वेरी इजी फॉर एनी यूएसए और इंडिया कि चाइना के साथ कुछ वॉर हो गया तो यहाँ पे हम पूरा उसको ब्लॉक कर सकते हैं और चाइना का सप्लाई बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे कोकोस और क्रिसमस आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के, इसके रिमेम्बर ऑस्ट्रेलिया के, और वो भी बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, उसकी वजह से न्यूज में था। और दीज आइलैंड आर लोकेटेड क्लोजर टू इंडोनेशिया देन द ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आइलैंड किसके पास है? इसके ऑस्ट्रेलिया के। ओके, देन रिमेम्बर कोकोस आइलैंड्स जो ऑस्ट्रेलिया में, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द कोको आइलैंड्स। कोको आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द म्यांमार, और जो कोस्टारिका में भी कोको आइलैंड्स है उसको तो कुछ रात देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कोको आइलैंड्स है वो कहाँ पे? कोको आइलैंड्स म्यांमार है, म्यांमार में, वो कोकोज और किलिंग आइलैंड्स जो ऑस्ट्रेलिया के। से दिस लोकेशन, दिस क्रिसमस एंड कोको आइलैंड्स बोथ किधर है? इंडियन ओशन में। रिमेंबर इंडियन ओशन, पीवाईक्यू भी एक बार पूछा था इसका कौन से ओशन में वो पूछा था, तो रिमेंबर दिस इज इन द इंडियन ओशन। और ये हमारा है कोकोज आइलैंड्स, ये देखो हमारा अंडमान निकोबार जो लैंडफॉल है, जो लास्ट पॉइंट है उसके एकदम नजदीक है कोको आइलैंड। सो रिमेंबर कोकोज एंड कोको आर डिफरेंट आइलैंड्स। ओके, आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट न्यूज में था जेलेंडिया, दिस इज द एट कंटिनेंट जो हमें साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इन द एट कंटिनेंट दैट हैड बीन मिसिंग फॉर द 375 ईयर्स। ओके, इसको ती रू मऊ भी बोलते हैं। ओके, मौरी, बिकॉज यहाँ के जो लोकेशन है, मतलब पीपल है, ट्राइबल पीपल, उसको मौरी बोलते हैं, उसकी वजह से न्यूज में था, मतलब उसको जेल इंडिया न्यूज में था। जेल इंडिया इज अ लॉन्ग नैरो लैंडमास प्राइमरीली सबमर्ज इन द साउथ पैसिफिक ओशियन। ओके, और जेल इंडिया का जो आज कुछ पार्ट बचा है वही क्या है? न्यूजीलैंड है। सो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ कौन सा सी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में? तस्मान सी है, और यहाँ का एक फेमस एनिमल भी है तस्मान टाइगर, राइट? जो एक्सटिंक्ट था लेकिन अभी वो मिल गया है, अगेन मिल गया है, तो तस्मान सी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड थीनेस्ट एंड यंगेस्ट कंटिनेंट, ऐसे भी हमें हमें उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अबाउट द मैपिंग जो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एब्राहम रिकॉर्ड। सो दिस वीक मार्क्स द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द एब्राहम रिकॉर्ड, ये जो जून जुलाई में न्यूज में था, नो आई थिंक अक्टूबर नवंबर में न्यूज में होगा। सो एब्राहम रिकॉर्ड किस में बीच में साइन हुआ था? इट इज साइन बिटवीन द इसराइल एंड अरब नॉर्मलाइजेशन इन द एग्रीमेंट फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशन बिटवीन इसराइल एंड द फोर अरब कंट्रीज। रिमेंबर, फोर अरब कंट्रीज, विच वन? बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, सूडान और मोरक्को। सऊदी अरेबिया का कोई भी यहाँ से ताल्लुकात नहीं है। ओके, सो मोरक्को और सूडान बाद में ज्वाइन हुए थे, पहले बहरीन और यूएई के साथ हुआ था। तो रिमेंबर एब्राहम रिकॉर्ड, इट्स नॉट ओनली अबाउट बहरीन एंड यूएई, उसमें सूडान और मोरक्को भी है। ओके, और किसके साथ हुआ है? इसराइल के साथ हुआ है, तो हमें वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्मॉल न्यूज में, स्मॉल थिंग न्यूज में थी तेमोर लेतले, इंडिया हैज अनाउंस द ओपनिंग ऑफ एम्बेसी इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। सो तेमोर
लेस्ले विच इज नॉट पार्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज, राइट? हमने देखे था लास्ट बार एशियन कंट्रीज, सो तेमोर लेस्ले, उसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली, इंडिया जैसा ही नाम, इंडिया के कैपिटल जैसा। तो दिल्ली में इंडिया ने क्या किया है, वहां क्या किया, इंडिया ने अपनी एम्बेसी ओपन की, उसकी वजह से पता होना चाहिए आपको। पापा न्यू गुयाना हमने ऑलरेडी देखा, पापा न्यू गुयाना का कैपिटल क्या है, पोर्ट मोरिसबी, वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्रिसमस आइलैंड अभी हमने ऊपर देख लिया, या एशमोर एंड कार्टियर आइलैंड से, वो भी ऑस्ट्रेलिया के है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्शल आइलैंड्स। अभी देखो ये जो पूरा पैसिफिक ओशियन में जो भी आइलैंड्स है ना, वो बहुत इस पर इम्पोर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में स्ट्रेटेजिक वॉर, कि कौन किस कौन कौन सी कंट्री को हमारे इसमें कर लेंगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली। तो उसकी वजह से यूनाइट अभी क्यों न्यूज में था, तो मार्शल आइलैंड न्यूज में क्यों था, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट साइंड अ न्यू 20-ईयर एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंट टू द मार्शल आइलैंड। तो अभी क्या कर रहे हैं, कोई आइलैंड्स चाइना की साइड ले रहा है, कोई आइलैंड्स यूएसए की साइड ले रहा है, और इसमें नुकसान किसका होगा, ऑब्वियसली ये इस एरिया का ही नुकसान होगा। तो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज भी देखे थे, तो जस्ट रिमेम्बर मार्शल आइलैंड तो वो भी पैसिफिक का ही पार्ट है, पैसिफिक ओशन में भी है, और बाकी का न्यू पापुआ न्यू गिनी वो भी हमने देखा था, हवाई आइलैंड जो यूएसए के वो भी देखे थे, और लास्ट टाइम हमने और जो एक आइलैंड देखा था, यू कैन कमेंट उसके बारे में कि कौन सा आइलैंड है या यूएसए का जो लास्ट टाइम न्यूज में था और हमने देखा था। ओके, पार्ट टू में हमने उसको देखा था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज द तुर्की के अबाउट बारे में न्यूज है, बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन फॉल्ट लाइन्स मेड तुर्की सीरिया वे अर्थक्वेक मोर डेडली। और कौन सी प्लेट है, मेन प्लेट यहाँ एंटोलियन प्लेट है। तो रिमेम्बर तुर्की के नीचे कौन सी प्लेट है, एंटोलियन प्लेट है, और एक ऐसे ए इंट्रैक्शन यहाँ का कैसा ट्रांसवर्स है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफर इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं इस फॉल्ट लाइन की में। ओके, और इस टाइम जो अर्थक्वेक हुआ था वो तो बहुत ज्यादा डेडली था, तो दैट्स व्हाई यू शुड नो अबाउट दिस एंटोलियन प्लेट। ओके, नाउ ये तो हो गया कि ये न्यूज में था, लेकिन अब थोड़ा हम स्टैटिक में जाएंगे और उसको याद रखेंगे, राइट? सो वी शुड फर्स्ट लुक एट द सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ तुर्की, कौन सी है, तो हम उसको कैसे रखेंगे, आग SBI। ओके, दिस इज जस्ट माय ए कि SBI में आप गए तो कभी जल्दी काम नहीं होता, तो आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ गया तो आग आग उकलते हैं आप, सो आग SBI। ओके, सो आग SBI। ओके, इसमें खाली डबल ए डबल जी है और SBI में एक आई ज्यादा है। ओके, सो ए फॉर क्या, अजरबैजान और अर्मेनिया, दोनों तो याद रहेंगे क्योंकि दोनों भी अभी न्यूज में थे। ओके, नगोर्ना खाराबाग रीजन की वजह से हमने वो एशिया पार्ट टू में देखा देखा था। उसके बाद डबल जी किसके लिए, एक ग्रीस के लिए है और एक जॉर्जिया के लिए है। ओके, या वो भी याद रखो। उसके बाद यस किसके लिए, सीरिया के लिए है। उसके बाद बी किसके, बल्गेरिया के लिए है, और एक जो आए वो इराक के लिए एक है और दूसरा ईरान के लिए एक है। रिमेम्बर ईरान की भी बॉर्डर तुर्की के साथ है। ओके, हमें वो पता होना चाहिए क्योंकि हम हमको लगता कि ईरान की डायरेक्ट बाउंड्री नहीं नहीं होगी, लेकिन ईरान की भी तुर्की के साथ डायरेक्ट बाउंड्री है। कैपिटल क्या है तुर्की की, अंकारा। रिमेम्बर इस्तानबुल इज नॉट कैपिटल, अंकारा इज कैपिटल ऑफ टर्की। और इस्तानबुल कहाँ पे है, बॉस्पोरस स्ट्रेट है यहाँ पे। ये पूरा स्ट्रेट हम देखेंगे जब यूरोप का हम पार्ट देखेंगे, उस टाइम हम ये पूरा ट्रेड स्ट्रेट्स में एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ से कौन से स्ट्रेट कनेक्ट होते हैं, यहाँ से कौन से स्ट्रेट है, हम इसको बाहर कैसे आते हैं, फिर का पूरा ट्रेवल करके देखेंगे उसको। लेकिन अब यहाँ का डिस्कशन हम यहाँ भी मतलब एंड करते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर इस्तानबुल इज ऑन दी, इट इज नॉट कैपिटल ऑफ टर्की, और क्या पे, बॉस्पोरस स्ट्रेट पे, और सराउंडिंग कंट्रीज तो हमने ये देख लिया, आग SBI, ऐसे उसको हम याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट। ओके, दिस इज द रेमनेंट्स ऑफ द लॉन्ग लॉस्ट टेक्टोनिक प्लेट विच आर डिस्कवर्ड, दिस प्लेट वंस अंडरपिन द साउथ चाइना सी। सो साउथ चाइना सी के नीचे जो प्लेट है अभी डिस्कवर्ड हुई, विच इज अ पॉन्टस प्लेट। जस्ट यू शुड नो द नेम अबाउट दिस। अभी चाइना के बारे में और एक कंसेप्ट उसी टाइम न्यूज में था, तो इसलिए मैंने डाल दिया, प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा क्या रहता है, वेरी सिंपल कंसेप्ट है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ प्रिजनर डिलेमा। अभी वो चाइना के ए इट इज अ फेमस कंसेप्ट ऑफ गेम थ्योरी। ओके, क्या रहता है प्रिजनर डिलेमा, चाइना को लगता है कि इंडिया उनका पावर बढ़ा रहा है कि उनको, क्योंकि इंडिया को चाइना के साथ वॉर करना है, और इंडिया को लगता है कि चाइना अपना पावर बढ़ा रही है क्योंकि उसको इंडिया के साथ वॉर करना है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है, वी डोंट नो कि चाइना को रियल में वॉर करना है या इंडिया को रियल में वॉर करना है, वी डोंट नो, बट इट्स जस्ट प्रिजनर डिलेमा। यू कैन नॉट हैव द
क्लियरिटी अबाउट दिस. सेम हैपनिंग विथ यूएसए और चाइना, सेम हैपनिंग विथ यूएसए एंड रशिया. वी डोंट नो कि रशिया को असली में चाइना यूएसए के साथ और करना है कि नहीं, लेकिन फिर भी हो रहा है. इसको बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा. मतलब वी आर इन डिलेमा बिकॉज ऑफ वी आर द प्रिजनर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज प्रिजनर्स डिलेमा. ओके, एक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में, यूपीएससी कभी कभी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है 10 डैश लाइन. अभी तक हमने 9 डैश लाइन पढ़ा था. तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने और एक डैश लाइन बढ़ा दिया. असली में इट इज नॉट जो, पहले देखो 9 लाइन थे, तो अभी चाइना ने क्या किया और एक लाइन बढ़ा दी. तो उसका इसके मतलब व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट. तो चाइना इसको मोर असर्ट कर रहा है और बोल रहा है कि देखो ये पूरा एरिया हमारा है, और ज्यादा अच्छी तरह से उसको रिमार्क कर रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई यू शुड नो अबाउट दिस. सो व्हाई चाइना हैज रिलीज अ न्यू स्टैंडर्ड मैप व्हिच इंक्लूड द 10 डैश लाइन. ओके, पहले 9 डैश थे, अभी 10 डैश कर दे उसके लिए, उसकी वजह से उसको 10 डैश लाइन बोलते हैं. सो 10 डैश लाइन इज अ यू शेप लाइन इन द साउथ चाइना सी विद द 10 डैश लाइन चाइना इज क्लेमिंग ओवर 90% ऑफ साउथ चाइना सी एंड इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द 9 डैश लाइन. ओके, और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट दिस पार्सल आइलैंड्स एंड स्पार्टले आइलैंड्स, उसकी वजह से पूरा डिस्प्यूट चल रहा है. उसके बाद यू शुड नो अबाउट दिस गल्फ ऑफ तोकिन. This is the Gulf of Tonkin. Okay, ये पूरा कौन सा एरिया है, साउथ चाइना सी है. ओके, नाउ दिस इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. नाउ वी लुक वन बाय वन. सो पार्सल एंड पार्टली आइलैंड्स, मेनी कंट्रीज क्लेम दिस आइलैंड्स. वियतनाम क्लेम करता है, फिलीपींस क्लेम करता है, मलेशिया क्लेम करता है. उसके बाद सेकंड वन इज द स्कारबोरो शोला आइलैंड्स. ओके, बोथ फिलीपींस एंड चाइना ले क्लेम दिस ऑन दिस स्कारबोरो शोला आइलैंड्स, शोल आइलैंड्स. ओके, शोला या शोल कैसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो उसको, ये भी न्यूज में मतलब आपको पता होना चाहिए अबाउट दिस आइलैंड ऑल्सो डिस्प्यूट. ओके, और मलेशिया ब्रुनेई क्लेम दैट देयर इज इंक्लूड इन द 9 डैश लाइन फॉल्स विद इन देयर ईईजेड. तो यहाँ के सब जो कंट्री है वो क्या करती है, उनका चाइना के साथ डिस्प्यूट है. लेकिन ऑब्वियसली चाइना इज अ स्ट्रॉन्ग नेवी पावर, तो चाइना क्या करती है, सभी कंट्री को ओवर पावर कर देती है. ओके, सो यू शुड नो दिस इज द मैप कि चाइना पूरा एक क्लेम करता है फिलीपींस एक क्लेम करता है, स्पार्टले आइलैंड को वियतनाम क्लेम करता है. ये सब पता होना चाहिए आपको. ओके, रिमेम्बर कि पार्सल आइलैंड्स ऊपर है, उसके नीचे स्पार्टले आइलैंड है. ओके, सो पार्सल ऊपर है और नीचे स्पार्टले आइलैंड है, तो हमें वो पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग जो हमें इंपॉर्टेंट थिंग है, तो ताइवान स्ट्रेट, इट्स बिटवीन द ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी. जो मेनलैंड चाइना है उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, और जो ताइवान है उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं. ओके, नाउ साउथ चाइना सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन से, पार्सल आइलैंड हमने ऑलरेडी देख लिया, स्पार्टले आइलैंड हमने ऑलरेडी देख लिया. ओके, जस्ट रिमेम्बर अभी लास्ट ईयर से नटुना आइलैंड के बारे में भी डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन इंडोनेशिया एंड चाइना. इंडोनेशिया का है लेकिन चाइना भी इसको भी क्लेम कर रहा है. सो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द नटुना आइलैंड, कहाँ पे, साउथ चाइना सी में ही है. ओके, सो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सीज भी है. बोहाई सीज, इट्स अ मेनलैंड चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला के बीच में जो है उसको बोहाई सी बोलते हैं. और यहाँ कौन सा है, दिस इज द येलो सी. ओके, जो ऊपर का पार्ट हम देख रहे हैं, दिस इज द येलो सी. और यहाँ पे एक जो ये जो दिख रहा है एरिया, यहाँ पोंगयांग लेक है. इट इज चाइनाज बिगेस्ट लेक एंड की फ्लड आउटलेट ऑफ यांगसे रिवर. ओके, और यहाँ पे क्यों फेमस है, साइबेरियन क्रेन की वजह से फेमस है, जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है. ओके, सो यू शुड नो दिस पोंगयांग लेक इज ऑल्सो लास्ट ईयर न्यूज में था, सो यू शुड नो अबाउट दिस. ओके, सो नाउ हमने तो ये पूरा देख लिया. स्टार्ट न्यूज में क्या था, खाली न्यूज में 10 डैश लाइन थे, लेकिन हमने साउथ चाइना सी की पूरे लोकेशंस देख लिए. नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ द साउथ चाइना सी. तो उसको कैसे याद रखेंगे, पीएमटी एसआई BCU. ओके, उसको ऐसे याद रखेंगे, PMT जो पुणे में रहते हैं उसको PMT के बारे में पता होना चाहिए. और PMT में कौन बैठा, सीनियर इंस्पेक्टर बैठा, और वो क्या कर रहा था, बाकी को परेशान कर रहा था. सो PMT SI BCV. ओके, उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं. P फॉर फिलीपींस, M फॉर मलेशिया, T फॉर ताइवान, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडोनेशिया, B फॉर ब्रुनेई, सी फॉर चाइना एंड वी फॉर वियतनाम. तो देखो पूरे ऐसे 8 कंट्रीज है जो किसको बाउंड्रिंग कंट्रीज है, साउथ चाइना सी के. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
नाउ ये तो हमने मैंने ऑलरेडी बताया कि जो इक्वेटर की लाइन है वो कौन से कंट्री से जाती है, खाली इंडोनेशिया से जाती है. ओके, सो यू शुड सी, वी जस्ट न्यूज में क्या था, 10 डैश लाइन न्यूज में थी, लेकिन हमने पूरा इसका पूरा स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पार्ट उसके हमने कवर कर दिए. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. चाइना पाकिस्तान विल साइन एग्रीमेंट रिलेटेड टू मोटरवेज एंड हाईवेज अंडर द 60 मिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो यू शुड नो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ 3,000 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क. कहाँ से कौन से दो एरिया को कनेक्ट करता है, चाइना का शिनजियांग रीजन है. ओके, शिनजियांग रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर मुस्लिम्स, राइट ना. सो उसकी वजह से हमें पता होना चाहिए शिनजियांग रीजन विथ पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट इन बलूचिस्तान. और ग्वादर पोर्ट का है बलूचिस्तान पे. ओके, सो दिस इज द काश्गर एरिया और वहां से जाके पूरा ग्वादर और कराची, लेकिन रिमेम्बर कराची को कनेक्ट नहीं करता है. ओके, और एक का किसको कनेक्ट करता है, ग्वादर को कनेक्ट करता है. सो यू शुड नो अबाउट दिस पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर. ओके, नाउ वी लुक द लास्ट न्यूज. ओके, सेबा फार्म्स क्यों न्यूज में था, बिकॉज हेजबोला अटैक सेबा फार्म्स इन सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल. यू नो ना, अभी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वॉर चल रहा है. ओके, वॉर लाइक सिचुएशन है. पैलेस्टाइन तो वॉर नहीं कर रहा है, लेकिन इसराइल वॉर कर रहा है. ओके, सो हेजबोला अटैक सेबा फार्म्स इन सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल. सो सेबा फार्म्स आर द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ लेबनीज सीरियन बॉर्डर एंड गोलन हाइट्स के पास में. और इसको गोलन हाइट्स के, जब इसराइल ने गोलन हाइट्स ऑक्यूपाई किया लास्ट एक्सरसाइज हमने देखा था, तो ये जो सेबा फॉर्म्स है, उसी टाइम इसराइल ने उसको ऑक्यूपाइड किया था. वो सेबा फॉर्म्स किसके पास में है, तो इसराइल के पास में है. ओके, सो यू शुड नो अबाउट दिस सेबा फॉर्म्स. सो दिस इज द गोलन हाइट्स. यू ऑल्सो नो दिस इज लेबनॉन एंड दिस सीरिया, उसके बीच में है. ओके, सो यू शुड नो अबाउट द सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ इसराइल. कौन से कंट्री है, इजिप्ट, यहाँ है सिनाई पेनिनसुला, उसके बाद है जॉर्डन, उसके बाद है सीरिया और लेबनान. ओके, रिमेम्बर दिस फोर कंट्रीज आर द सराउंडिंग द इसराइल. ओके, बहुत न्यूज में, तो यू शुड नो अबाउट इट. ओके, सिनाई पेनिनसुला इट्स अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट. सो गाजा स्ट्रिप के बारे में तो यू शुड सबको पता है, और वेस्ट बैंक वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ओके, अभी एक चीज न्यूज में है कि हिजबुल्ला ने अटैक किया है. ओके, तो अभी ऐसे बहुत, बिकॉज ऑफ दिस इसराइल पैलेस्टाइन और बहुत सारे इस्लामिक जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो अभी मतलब बाहर आ रहे हैं. तो यू शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि यूपीएससी कभी पेयर में इसको पूछता है. तो कुर्स वो सीरिया इराक के बॉर्डर में, और उसको उनको खुद का कंट्री चाहिए, खुर्दिस्तान. तो यू शुड नो अबाउट कुर्स कहाँ पे है. उसके बाद चेचना मुस्लिम्स, जो रशिया का पार्ट है, चेचना एरिया, वो भी उनको, मुस्लिम जो लोग हैं उनको अपना अलग देश चाहिए. तो यू शुड नो अबाउट चेचना. उसके बाद बोको हराम, जो नाइजीरिया में एक्टिव है, और उनको नाइजीरियन गवर्नमेंट टॉपल करना है. तो यू शुड नो अबाउट बोको हराम, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. वो मतलब गर्ल्स के ऊपर रेप करते हैं, बहुत मतलब भयानक है बोको हराम का. उसके बाद वैगनर ग्रुप किसका है, रशिया का है. ओके, उसके बाद हमास, यू शुड ऑल नो अबाउट हमास. उसके बाद हिजबुल्ला, जो अभी हमने देखा, और इसको सबको कौन बैक करता है, हाउदीज, हिजबुल्ला, हमास, इनको सबको बैक करता है ईरान. ओके, यू शुड नो अबाउट दिस, इसको सबको बैक करता है ईरान. ओके, और ये सब प्रॉक्सीज है किसके, ईरान के प्रॉक्सीज है. ओके, यू शुड नो अबाउट दिस. ओके, और एक न्यूज में था अबाउट ईरान, अबाउट जिस इसराइल एरिया. तो यू शुड नो अबाउट दिस रफा क्रॉसिंग. ओके, इजिप्ट हैज एग्रीज टू रिओपन द रफा क्रॉसिंग. सो रफा क्रॉसिंग इज अ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन द सदर्न एंड ऑफ द गाजा स्ट्रिप एंड द इजिप्ट. ओके, यहाँ सदर्न एंड पे रफा क्रॉसिंग है. ओके, सो इट इज द ओनली लैंड एंट्री फ्रॉम पॉइंट टू गाजा नॉट कंट्रोल्ड बाई द इसराइल. अदरवाइज बाकी के जो सब पॉइंट है, यहाँ के सब पॉइंट इसराइल, क्रेज क्रॉसिंग सब इसराइल कंट्रोल में. तो रफा क्रॉसिंग जो इसराइल के कंट्रोल पे नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए. ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और न्यूज में क्यों थी, बिकॉज इट्स प्रोवाइड एज अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर द गाजा के लोगों के लिए. सो दैट्स व्हाई यू शुड नो सिनाई पेनिनसुला हमने अभी ऊपर देखा है. ओके, सो और एक लास्ट पॉइंट है जो न्यूज में था अबाउट इसराइल, एक इसमें मैंने सब पॉइंट लिया है, बेन गुरियन कैनल. सो इसराइल थ्रू द बेन गुरियन कैनल एम्स टू एलिमिनेट द हमास इन गाजा. नाउ बेन गुरियन कैनल इट्स अ प्रपोज वाटरवे थ्रू द नेगेव डेजर्ट इन इसराइल. सो यू शुड नो अबाउट दिस नेगेव डेजर्ट जो इसराइल में, एंड इंटेंड टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव टू साउथ सुएज कैनल. सो ये क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव बन सोच रहे हैं एक सुएज कैनल को. सो हमें एक और एक रूट मिलेगा
किसको, जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने के लिए. ओके, सो दिस प्लान रूट इज ओवर 100 किलोमीटर लॉन्गर देन द स्वेज कैनल. सो दिस इज द स्वेज कैनल, दिस इज द गल्फ ऑफ स्वेज, दिस इज द रेड सी जो हमने लास्ट लेक्चर में उसके बारे में सराउंडिंग कंट्रीज देखे थे, दिस इज द गल्फ ऑफ एक्वा, उसके भी हमने सराउंडिंग कंट्रीज देखे थे. ओके, और दिस इज द बेन गुरियन कैनल. रिमेंबर दिस बेन गुरियन कैनल वो गाजा स्ट्रिप से नहीं जाता है, गाजा स्ट्रिप्स के बाजू में जाता है, तो वो हमें पता होना चाहिए. स्वेज गल्फ, गल्फ ऑफ एक्वा, रेड सी हमने ऑलरेडी देख लिया है. ओके, नाउ आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनको भी पता चलेगा. ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर द लास्ट पार्ट ऑफ द एशिया सीरीज. उसके बाद विल लुक एट द अफ्रीका कंटिनेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंटिनेंट है दिस ईयर के प्रीलिम्स के लिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. ओके, विल एंड इट हियर.